आज हम लोग सीखेंगे बैंगन और आलू का नया रेसिपी बनाने के लिए। छीला हुआ बैंगन और आलू को लेंगे। बैंगन और आलू को कश्मीरी पाउडर में अच्छी तरह से मिलाने के बाद छीले हुए बैंगन और आलू को अलग अलग फ्राई करेंगे। बैंगन और आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। पहले से काटा हुआ दो प्याज और मिर्चा लेंगे। काटे हुए मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से तेल में भून लेना है। मीडियम साइज में काटे हुए दो टमाटर लेंगे। दो चम्मच टाटा का नमक, टमाटर को अच्छी तरह से गलने देंगे। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच से कम गरम मसाला। फ्राई किया हुआ बैंगन और आलू को डालेंगे। डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको अभी हल्की ताप में पकाना है। आधा पक जाने के बाद में थोड़ा पानी डालना है। धीरे धीरे थोड़ा पानी को सूखने देना है। आप लोग देख सकते हैं यह रेसिपी अब धीरे धीरे तैयार होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं आलू और बैंगन का रेसिपी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि यह रेसिपी कैसे है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद हो गया तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह का रेसिपी बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।